हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है और एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है गैदरिंग, और गैदरिंग पहले तो शाम शाम में स्टार्ट होता था, लेकिन कुछ साल से ना दिन में ही ख़त्म करने का मतलब इसे प्लान रखते हैं। तो आज है दिन से, 1 बजे से शुरू है, और हम लोग गैदरिंग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। गैदरिंग अभी ना हम लोग कितना साल से गए ही नहीं हैं। शाम में होता था तो जाते ही नहीं थे, और मेरा तो घर में भी काम रहता था ना, कुछ कुछ करना, पर्व का तैयारी, तो गैदरिंग जा ही नहीं पाते थे। कितना साल से गैदरिंग ही नहीं गए हैं, तो आज सोचे हैं कि जाएंगे, और हम लोग सबको ही जा रहे हैं। तो सबको ही जाने के लिए रेडी हुए हैं, नहाए धोए तो हमको लग रहा है ठंडा। साड़ी पहन लिए हैं, वही वाला साड़ी है जिसको हम रील बनाने के लिए जसपुर में पहने थे, और इसमें पूरा कांटा भर गया था, अभी भी इसमें कांटा है, मतलब इसका ना अंदर अंदर में घुस गया है, तो निकला ही नहीं, तो छोड़ दिया इसे ही, पहनते पहनते निकल जाएगा, ऐसे ही पहनते पहनते ना निकालते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, सोच के छोड़ दिए, अंदर अंदर घुस गया है इसका अंदर में, तो निकाल ही नहीं सके। तो आज ये वाला साड़ी पहनने का मन किया तो इसको पहन लिए हैं, बाल बनाते हैं उसके बाद में निकलेंगे थोड़ा देर में। अनुज रेडी नहीं हुआ है। ओए खाया और चाहिए तो ले लो, तो हाँ उसको अपना खा, उसको हम दे दिए हैं, पेट भर गया है उसका, तो जाने से पहले खाना खा ले रहे हैं। खाना खाने का टाइम हो गया है, जल्दी से बना दिए थे खाना, पता नहीं कितना देर लगेगा हम लोग को वापस आने में, कब ख़त्म होगा, इसीलिए खा के जा रहे हैं। खाना थोड़ी मिलता है, वहाँ प्रोग्राम होता है। आओ अनुज, वहाँ कुआं में जाके खा रहे हैं, कुआं पर बैठ के चमक रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे। और इसको क्या हुआ, चिल्ला रहे हैं। तो हम ना कपड़ा सबको घुसा देते हैं, बहुत सारा बाहर रखे हैं, पकड़ दो इसको, पापा का जूता सबको अंदर करते हैं, आते आते हो सकता है ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं छाया हो जाएगा। मोजा पकड़ो, स्मिता लेके आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुज थोड़ा सा खाना बचा दिया है, और बोल रहे हैं खाने का मन नहीं कर रहा है, तो खा दो करके कर रहे हैं, और हमको ना अपने हाथ से खाने मन नहीं कर रहा, छूने मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम खाना खा लिए हैं, और कुत्ता सबको भी दे दिए हैं खाना, तो हम सोच रहे हैं हम खा लेते हैं। तो अभी अनुज खिला देगा हमको, खा रहा था खाना, तो चल खिला दो अच्छा से खिलाना, ऐसे देंगे, चल खिला, कैसे खिलाता है, खिलाने का एक्सपीरियंस है। ये खाना खा रहा था ना, तब तक हम लोग धूप में बैठे थे क्योंकि ठंडा लग रहा था। चल खिला। हम लोग ना तैयार होने के बाद में सीधे चर्च नहीं गए, इसकी बड़ी मम्मी का घर घुसे थे, क्योंकि हम लोग खेत तरफ से आए थे, और यहाँ पर देख सकते हैं सारे बच्चियाँ ना सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनी है, क्योंकि ये लोग डांस करेगी, और अस्मिता लोग नहीं सीखी है, क्योंकि हम लोग की तरफ बच्चे बहुत कम है, इसीलिए ये लोग नहीं सीखती है, और डांस सब में आगे आगे नहीं होती है। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं चर्च, और देख सकते हैं चर्च का बाउंड्री के अंदर ही इस बार टेंट बनाया हुआ है, और हम लोग पीछे खड़े हैं, अभी सोच रहे हैं आगे बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन बाद में आगे बैठने के लिए, क्योंकि इतना देर खड़ा भी नहीं रह सकते और कुर्सी भी नहीं है, तो मजबूरन हम लोग को नीचे बैठना पड़ा, कमर और पैर से तो दिक्कत है ही, दीदी को भी एक बार मुझसे आकर संपर्क कर लेंगे, कृपया आइएगा मंच के पास में। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आस्था लोग का डांस शुरू हो गया है, और इससे पहले 2-3 गाना हो गया है, वो भी बहुत अच्छा अच्छा था। इसके बाद में ये वाला डांस है फर्स्ट, ये लोग का ग्रुप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, वाइट वाइट सुंदर सुंदर कपड़ा, और गाना भी उतना ही अच्छा था, और सब अपना अपना टोला से लेके आए हैं डांस गाना, ऐसे करके लेके आए हैं, जिसको जितना बन पाएगा उतना लेके आए हैं, और अस्मिता लोग ये सब में पीछे रहती है, करती हैं, हाँ घर में डांस कर लेती है, लेकिन स्टेज सब पीछे रहती है।
तो हम ना बहुत साल के बाद आए और सोच के आए थे कि मैदान में होगा, लेकिन आने के बाद में पता चला कि चर्च वाला बाउंड्री के भीतर में गैदरिंग मना रहे हैं और भीड़ ना अभी उतना नहीं है। मतलब शाम में गैदरिंग होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था पहले, और अभी तो हम कई साल से आए ही नहीं हैं गैदरिंग, बहुत साल के बाद आए हैं और अभी तो भीड़ उतना नहीं है, लेकिन बाद बाद में पीछे हो गया था भीड़, लेकिन फिर भी उतना भीड़ नहीं हुआ था जैसे कि पहले होता था। पहले गैदरिंग मनाते थे तो होता था, उस टाइप का भीड़ नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि खुला खुला है और हल्का हल्का धूप पड़ रहा है, हल्का हल्का छाया भी है, इसलिए अच्छा लगा बैठने के लिए खुला में। और मैदान में होने से, मतलब खुला रखने से तो बहुत ज़्यादा धूप सेकता दिन में। आस्था का डांस तो पहले देख लिए थे, अभी जो डांस चल रहा है वो है आदिति ग्रुप का। तो दोनों सहेली यहाँ पर मस्त डांस कर रही है और इसमें आदिति है बाएं तरफ, कोई की पहचाने की नहीं पहचाने, हम खुद ही बता दे रहे हैं आदिति बाएं तरफ है। तो आज यहाँ ख्रिस्त जयंती मिलन समारोह मना रहे हैं और हम लोग हर किसी का जयंती में केक काटते हैं, तो यहाँ पर भी आज मिलन समारोह हो रहा है, जयंती मिलन समारोह हो रहा है, तो इस अवसर पर तो केक काटना बनता ही है। तो सबसे पहले केक कटिंग हुआ था लेकिन हम लोग खाए नहीं थे, तो अभी प्रोग्राम का काफ़ी टाइम हो गया है और सामने में ना नाटक भी शुरू हो गया है, मतलब सामने अभी नाटक भी चल रहा है और नाटक देख देख के हम लोग टोस्ट केक खा रहे हैं। दो टोस्ट मिला है और एक केक मिला है। इधर अस्मिता चालू हो गई है और चाय भी आने वाला है, अभी आया नहीं है, चाय थोड़ा से लेट से आया, तब तक हम केक खा लिए थे, चाय का वेट कर रहे थे टोस्ट खाने के लिए, क्योंकि सूखा सूखा चबाता नहीं है टोस्ट, आधा गिर जाएगा पब्लिक के सामने तो बहुत हंसी आएगा ना, मजाक हो जाएगा, तो इसलिए हम चाय का वेट कर रहे थे। चाय आया उसके बाद में टोस्ट खा लिए और अभी प्रोग्राम ख़त्म होने ही वाला है, दो तीन बाकी है उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में सब कोई मिल के नाचेंगे। तो इतना अच्छा गाना बजने के बाद में सबके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, तो इधर सब शुरू हो गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल शाम में हम लोग लौटे, उसके बाद में ना अभी हम मिल रहे हैं, अभी दिन का 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गर्म पानी पकड़े हैं, इसमें नमक डाल के रखे हैं क्योंकि इसको अभी हम सेकेंगे अपना सिर को, और मेरा सिर में हो गया है ढीला, नहीं क्या बोलते हैं, टुको निकल गया है यहाँ पर, देख ही सकते हैं। तो कल नहीं, परसों हम अपना सिर को अपना दीवार में ठोक दे रहे थे, तो इसी वजह से यहाँ पर ना फूल गया है, ये देखिए यहाँ पर, और ये छूट ही नहीं रहा है। जिस दिन हम ठोके ना उसी दिन अगर सेकते ना तो दब जाता, ये पता भी नहीं चलता इतना उठा हुआ, क्योंकि गुनगुना पानी से सेकने से फटाफट दब जाता है, 2-3 बार सेकने से दब जाता है और एकदम पता नहीं चलेगा। कल हम सेके नहीं और जिस दिन ठोके उस दिन भी सेके नहीं, भूल गए, याद ही नहीं आया कि हमको सेकना है, और ठोके थे ना उस टाइम लगा था कि हमको फूलेगा नहीं, इसीलिए हम इतना थे शाम तक देख रहे हैं कि इतना बड़ा फूल गया है, फुंसी जैसे दिख रहा है। तो अभी कल सेके हम, 2-3 बार भी सेके लेकिन भी दबा नहीं, अभी और सेक रहे हैं, दब जाएगा, तो थोड़ा बड़ा था, थोड़ा थोड़ा दबा है, उसी दिन सेके रहते ना तो बढ़िया से दब जाता, पता भी नहीं चलता, और अभी दूर से एकदम टुकु जैसे दिखता है। और कल जो पहन के गए थे वो साड़ी को धो दिए हैं। इधर अस्मिता बैठ के खेल रही है बच्चा से, ये नया बच्चा फिर लेके आया है अनुज, रोड में घूम रहा था, सुंदर से दिखाई दिया तो इसको लेके आ गया है, और ये ना ये इतना परेशान हमको ही करता है, जहाँ जाएंगे वहाँ पीछे 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 पीछे, अभी यहाँ पर है तो बैठा है, उठ के जाएंगे अंदर ना तो पीछे पीछे जाएंगे मेरे से, और खड़ा रहेंगे तो पैर में जाके बैठ जाएगा, वैसे है। तो ना कल बहुत दिन के बाद हम लोग गैदरिंग गए थे और बहुत मजा आया था, मजा आया था कि नहीं अस्मिता, आया था मजा आया था कि नहीं, डांस सब देखे फिर नाटक भी देखे, हाँ एगो नाटक था, और हमको ना एक ठो कमी लगा, ज़्यादातर ना लड़की लोग डांस किए गाना सब में, लड़की लोग डांस में लड़की लोग, लेकिन लड़का लोग ना एक भी डांस नहीं किया, हाँ किया एक ग्रुप था शायद लड़का लोग का, वो भी छोटे छोटे बच्चा लोग का, हाँ नहीं तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लड़का लोग का एक भी डांस नहीं था, मतलब लड़का लोग का था ही नहीं, वाला लड़का लोग नहीं था, सब बच्चा लड़की है लोग थी, सिर्फ लड़की लोग जितना भी डांस था लड़की लोग का था, और बहुत मजा आया, बहुत साल के बाद गए थे हम लोग देखने के लिए,
गई थी अस्मिता? हाँ। गैदरिंग एक आध बार गई थी देखने? नहीं नहीं गई थी, तभी देखी थी। अस्मिता लगती है, लगता है हमको पहली बार गई देखने के लिए। हम बहुत साल के बाद गए इस बार। काम करते करते मतलब दिमाग से निकल जाता था और काम भी इतना रहता था घर में कि जाते ही नहीं थे गैदरिंग में। और पहले तो शाम में होता था और इस बार दिन में हुआ। 1 बजे से शुरू था लेकिन 3 बजे आसपास से शुरू हुआ जैसे लगता है। 2 बजे बहुत मजा आया लेकिन। और एकदम लास्ट लास्ट डांस तक रुके थे अनुज के वजह से। रुको क्या बोलते हैं, डांस वगैरह सब खत्म हो जाता है उसके बाद में सब मिलजुल के गाना उना गा के नाचने वाले थे, शायद किए होंगे, लेकिन हम लोग उससे पहले थोड़ा सा पहले आ गए क्योंकि ठंडा भी लग रहा था और जल्दी ही खत्म हो गया था। कितना हम लोग 5:30 की 6 बजे आ गए थे, 7 बजे आसपास तक पूरा खत्म हो गया था हमको लगता है वैसे, क्योंकि 5:30 तक तो लास्ट डांस था, उसके बाद में शायद नाचे होंगे, उतना टाइम तक हम लोग रुके थे, फिर आ गए और बहुत मजा आया इस बार गैदरिंग देख के ना। तो दोस्तों अभी हम सेकते हैं अपना माथा को यहाँ पर। तो दोस्तों अनुज और अस्मिता का सिर में ऐसे ही लगता था ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ हो जा रहा था, इधर लगेगा इधर ठीक होगा उसके बाद में इधर होगा, हमेशा गिरते रहता था ये लोग। तो हम ऐसे ही करते थे, गुनगुना पानी में नमक डाल के ऐसे सेक देते थे ना, तो ठीक हो जाता था शाम तक, एकदम बड़ा बड़ा फूल जाता था, वो भी ठीक हो जाता था। तो हम उस दिन सेकने भूल गए मेरा सिर में, शाम को भी सोचे दर्द दे रहा था तो सेकेंगे, फिर भूल गए, कल से सेक रहे हैं इसीलिए दबा नहीं, उसी दिन सेकते तो दब जाता। तो एक दिन वैसे ही अनुज का सिर में यहाँ पर इतना बड़ा फूल गया था यहाँ पर, और अनुज के पापा ना नहीं थे, सुबह ही चल गए थे कहीं, शाम को आने वाले थे, और अनुज का इसे ही 10-11 बजे लग गया था, इतना बड़ा सा फूल गया था यहाँ पर। और उस लगने के बाद में हम इतना ज़ोर से डर रहे थे ना कि आज तो अनुज के पापा डांटेंगे। फिर हम क्या किए, गुनगुना पानी से ऐसे ही सेके इसके पापा आने तक, शाम तक 3-4 बार सेक के एकदम उसको ना कम करवा दिए, मतलब सेकने से दब जाता है, तो आने तक शाम तक एकदम दब गया था। तो इसके पापा को पता ही नहीं चला कि लगा हुआ था, डर से हम सेक के छुटा दिए, मतलब गुनगुना पानी से करने से दब जाता है और खून सब जमा नहीं होता है। तो दोस्तों पानी ठंडा हो जा रहा है सेक के, तो हम सेकते हैं और इसको मेरा टुकू को कम करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में कोई नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।